सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी जॉब में, बैंकिंग जॉब में स्पेसिफिकली, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना कंपलसरी होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बिना भी आपका काम चल सकता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। इस चीज़ की हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने होंगे, कहीं कोई डॉक्यूमेंट हमसे छूट ना जाए। जॉब लगने के बाद सबसे ज़्यादा हमें डर यही रहता है कि हमारी जॉइनिंग बहुत ही स्मूथ तरीके से हो जाए, तो उसके लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो पहले से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके रखिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, जहाँ से भी बनता है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जाके बनवाइए, और फिर अपना जो सिलेक्शन होने के बाद अपने सिलेक्शन को एकदम अच्छे से स्मूथली कन्फर्म कीजिए। तो आइए बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए। अगर आपने पीओ का सिलेक्शन लिया है तो उसमें आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर लगेगा, और अगर आपने क्लेरिकल जॉब लिया है तो उसमें आपका मेंस का कॉल लेटर लगेगा। तो कॉल लेटर होना आपके पास कंपलसरी है, उस पर आपकी फ़ोटो लगेगी और आपको 4 से 5 फोटोज एक्स्ट्रा ले जानी है। वहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स में आपकी फ़ोटोज़ अटैच होती हैं। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे आपका जो एक पीडीएफ निकलता है वो पूरा आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसके 3-4 कॉपीज़ भी आप रख के चलिए। वहाँ पे आपको जहाँ जहाँ लगेंगे 2 कॉपीज़, तो एटलीस्ट आपके पास 2 फ़ोटो कॉपीज़ होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड चलेगा, आपका पैन कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, पासपोर्ट वगैरह, वोटर आईडी कार्ड, या फिर पासबुक जिसमें आपका फ़ोटो अटैच्ड हो, या फिर आपका एम्प्लॉई आईडी, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड भी चल जाएगा। तो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट होना चाहिए और 2 कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 10th क्लास का मार्कशीट, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है एक, तो 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट अगर आपके स्कूल में नहीं दिया जाता है तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और आपके पास ओरिजिनल प्लस 2 फोटो कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास 12th का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है। अगेन, सर्टिफिकेट नहीं है तो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लो, वो भी चल जाता है, ठीक है। मेरे साथ ये चीज़ हुई है, बिल्कुल चल जाता है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि डिजी लॉकर वाला चलेगा या नहीं चलेगा, वो एकदम करेक्ट फॉर्मेट है, गवर्नमेंट का ऐप है वो, तो आप आराम से लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स लगेंगे, जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, चाहे आपकी ईयर वाइज हो, चाहे आपकी सेमेस्टर वाइज हो, सारी मार्कशीट्स आपकी लगेंगी। कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स भी कुछ कुछ कॉलेजेस में दी जाती हैं, तो आप वो भी ले जा सकते हैं। तो जैसे भी टाइप की मार्कशीट है, आप मार्कशीट्स ले जाइए ओरिजिनल फॉर्मेट में और उसके 2 फोटो कॉपीज। इसके अलावा आपके पास प्रोविजनल या फिर फाइनल डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे क्योंकि आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं तो फिर वो आपको 7-8 दिन का और टाइम एक्सटेंड देते हैं, और आप उस एक्सटेंशन वाले पीरियड में आपको फिर जाके सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेल आता है, जो भी सर्कल आपको अलॉट हुआ होता है तो आपको वहाँ पे जाके, जैसे कि आपको अगर एमपी अलॉट हुआ है तो भोपाल में आपको बुलाया जाएगा, या जहाँ पे भी उसका रीजनल ऑफिस है वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, और वहाँ पे FGMO है, जैसे जो भी आपका है ऑफिस वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं तो वहाँ पे वो आपसे एफिडेविट साइन कराएंगे और आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम देंगे कि 7-8 दिन देंगे, उसमें आपको वापस जाके देना पड़ेगा, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी करके ले जाइए। इसके बाद आपका प्रोविजनल या फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट हो गया आपका, अगर फाइनल डिग्री अभी तक आपके कॉलेज से नहीं आई है तो प्रोविजनल आपको ले ही जानी है, ओके। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, और अगर आपने मास्टर्स करके उसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है तो मास्टर्स की भी डिग्री कंपलसरी है। अगर वो नहीं होती है तो आपको एक्सटेंशन दे दिया जाता है,
और आप उस एक्सटेंशन पीरियड में भी नहीं देते हैं तो फिर आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाती है। इसलिए ये चीज़ दिमाग में रखिए कि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है और अभी तक आपकी मास्टर्स की डिग्री आना बाकी है तो आप मास्टर्स की जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको आप एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन मत कीजिए, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, एक्सटेंशन मिल जाता है लोगों को, लोगों की ज्वाइनिंग लेट हो जाती है और उनको सीनियोरिटी में, प्रमोशन में बहुत सारा दिक्कत हो जाता है, पूरा चीज़ आप उनका एक साल पीछे चला जाता है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी का जिक्र आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त करना है। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरीली होना चाहिए। जो भी कट ऑफ डेट आपको नोटिफिकेशन के पीडीएफ में प्रोवाइडेड है उसी डेट के पहले पहले के आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए और वही फाइनेंशियल ईयर जो भी है, जो भी कट ऑफ डेट है उसके पहले के आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आपने कोई एक्सपीरियंस मेंशन किया एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कंपलसरीली होना चाहिए। एनओसी होनी चाहिए अगर आप पब्लिक सेक्टर किसी भी एंटरप्राइज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयर का। वो नहीं है आपके पास तो वही अगेन एक्सटेंशन देंगे वो आपको और उस एक्सटेंशन पीरियड में आपको देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग से पहले पहले उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे वरना आपकी ज्वाइनिंग एक्सटेंड हो जाएगी। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाइए। कई बार सिबिल भी मांगते हैं तो सिबिल भी आपको निकालनी है, बैंक से निकल जाएगी आराम से। सिबिल इसलिए मांगते हैं कि आपके ऊपर कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है और आपका क्या स्टेटस है, जो भी फाइनेंशियल बोरोइंग्स वगैरह हैं, क्या आपने कभी लोन लिया है या नहीं लिया है, तो सिबिल भी मांगते हैं तो सिबिल भी आपको ले जानी है। वैसे तो आपको ज्वाइनिंग से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक मेल आएगा, उस मेल में सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, उसी हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने स्कूल से या कॉलेज से या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज से आप साइन करा सकते हैं और वो ले जाना होता है। दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स लगते हैं तो वो भी आपको साथ में ले जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से अपने पास रख लेने हैं तैयार करके। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके पास सारे एक एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और वो जाके ले जाइए और अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और अपनी जॉब में स्मूथली आप जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।